wala nang mag-resonate sa kapatid. Regard ka lang sa bully na tinirala ko yun. Bachyong ka bhula baba, bachyong ki pati samjhai rahe hain. Isko kaha jata hai Shiv bhula baba. Hamesha Shiv ko baba kaha jata hai. Koi chitra dekhe, varna dekhe. Paranti yaad karte hain Shiv bhula nath ko. Shankar ya Vishnu ya Brahma ko bhula nath nahi kahenge. भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। शिव के लिए तो भोला अक्षर आता है और शंकर के लिए कहते हैं शिव शंकर भोले भाले। शिव शब्द पहले है और शंकर शब्द बाद में, ऐसे ही उनके टाइटल में भोले शब्द पहले है और भाले शब्द बाद में। तो पहले के लिए पहला टाइटल और दूसरे के लिए दूसरा टाइटल। तो कहते हैं शिव शंकर भोला भाला, इसलिए बताया कि भोला अक्षर कहने से मनुष्य की बुद्धि में निराकार शिव बाबा की याद आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। क्यों है? जरकित रखा हुआ इसलिए। बल कितनी भी महिमा करते रहे, मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। शिव बाबा हमको बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी की जरूरत याद पड़ती है। बाबा कहने से प्रॉपर्टी कैसे याद पड़ती है? बाबा कहा जाता है ग्रैंड फादर से, जैसे कहते हैं बाप दादे। तो बच्चे को बाप का वर्षा मिले न मिले, लेकिन दादे की मिलती है तो जरूर मिलती है। तो यहाँ भी बाबा कहने से प्रॉपर्टी जरूर याद पड़ेगी। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है, मनुष्य शक्ति का बीज रूपी भी उनको कहा जाता है। वो है आत्माओं का बाप शिव। तो आत्माओं का जो झाड़ है उसका बीज होना चाहिए। मनुष्य शक्ति का बीज कैसे हुआ? आत्माओं का झाड़ तो अनाज अविनाशी है ही है, लेकिन मनुष्य शक्ति साकार और आत्मा निराकार होती है। निराकार आत्माओं का बाप निराकार, साकार मनुष्य शक्ति का बाप साकार ही होगा। तो यहाँ भी शब्द दो हैं, शिव और बाबा, माना निराकार आत्मा और साकार शरीरधारी मनुष्य, जो सारे मनुष्यों का बीज है, अनपिता है, जिसे एदम या आदम कहा जाता है। तो दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है, वही मनुष्य शक्ति का बीज कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य शक्ति झाड़ का भी ये एक बीज है।
जिससे फिर मनुष्य शक्ति रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। बच्चों को भगवान एक है, बच्चे याद करते हैं भगवान को, परंतु पूरा जानते नहीं है। ये भी ड्रामा में लूज है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं सीख जाता हूँ। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वो पानी का सागर भी एक ही है, उनको बांटा गया है। अलग अलग धर्म खंडों के दायरे के आधार पर कहते हैं ये इंडिया का सागर, ये फलाने का सागर। वास्तव में सागर तो एक ही है, सचिव में इस सागर को बांट नहीं सकते। क्यों यहाँ क्यों बांटते? हाँ, वहाँ सिर्फ भारत खंड ही होता है और दूसरे धर्म खंड का सागर के अंदर समाये जाते हैं। यहाँ सब धर्म खंड सागर के अंदर समाये हुए नहीं है। ऊपर निकले हुए तो भी सागर तो एक ही रहता है ना, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। वहाँ इतने सब खंड थोड़े रहते, एक बात की एक ही राजधानी रहती है। इसी बात पर बल डाल मैं किया था कि एक राज्य था, देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले उन्हें गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वह कब राज्य करते थे और कैसे राज्य पाया। तो ज्ञान सागर के एक ही, वही ज्ञान से सब की प्रगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती है। इसको फिर ज्ञान अमृत भी कहते हैं। इसको परमात्मा ज्ञान सागर से जो ज्ञान जल निकलता है वो नदियों के थ्रू सारे विश्व को सदगति देता है। तो नदियों के थ्रू जो मीठा पानी आता है उसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत से फिर पुजारी लोग चरण धोकर वो अमृत बना पीते हैं। चरण किसके धो जाते हैं? पुजारी लोग चरण किसके धोते हैं? देवता के या गुरु के? गुरु को भी भगवान का रूप मान लेते हैं और देवताओं को भी भगवान का स्वरूप मानते हैं। समझते हैं भगवान का इनमें वास है, लेकिन भगवान तो निराकार होता है, उनके तो चरण होते नहीं। तो पुजारी लोग साकार के चरण धोकर पीते हैं। चरण मन बुद्धि रूपी पांव, क्योंकि साकार के ही बुद्धि रूपी पांव गंदे होते हैं। उस निराकार की बुद्धि रूपी पांव तो गंदा होने की बात है ही नहीं। तो ये पुजारी लोग हैं जो चरण धोकर पीते हैं। वास्तव में इसको अमृत नहीं कहा जाता, इसको जो चरण धोकर पिया जाता है। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रख दिया है। कौन सी दवाई है? अमृत धारा, जिससे सब दुख दूर होते हैं। वो भी बात नहीं है कि कोई अमृत धारा दवाई से सब दुख दूर होते हैं, ये तो ज्ञान अमृत धारा है जिससे सब दुख दूर होते हैं। बाप बेटे बच्चों को योग सिखलाते हैं,
योग को अमृत नहीं कहा जाता, अमृत किसे कहा जाता है? ज्ञान का अमृत है। ये है पीने की चीज, पेय पदार्थ। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। तो योग हुआ अग्नि और ज्ञान हुआ जल। योग से 21 जन्मों की बीमारियां दूर होंगी, इस जन्म की नहीं दूर होंगी। जन्म कौन से जन्म की दूर है? 84वां जन्म है। जब अपने पुराने हिसाब किताब कट कर लो तो 84 जन्म का हिसाब किताब का चौपड़ा खलास हो गया। फिर ना शुरू होगा एक जन्म में बीमारियां लगी हुई हैं, लेकिन योग बल से तुम्हारी वो पुराने हिसाब किताब का चौपड़ा ही खलास हो जाएगा। सत्ता ही 21 जन्म के लिए प्राप्ति होगी। तो इस जन्म में तो अंत तक भोगते रहेंगे। अंत तक इस जन्म में भोगते रहेंगे। 84वें जन्म बोला कि शरीर सड़ते जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कब तक? जब तक ये 84वें जन्म का शरीर है, ये जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया मौजूद है तब तक। ये योग की बात है, बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप के हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, वहां कोई बीमारी होती नहीं है। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी नहीं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब ये शास्त्र आदि सब बनाना ये तो ड्रामा में नूद है। नाम पड़ गया व्यास का, ये है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा है वो सब ड्रामा में नूद है, अनाज बना बनाया है। कब से चलते आते हैं ये बदल नहीं सकते। व्यास को भगवान नहीं कहा जा सकता। शास्त्र ऐसे बनाए हैं जिससे सबने दुर्गति को पाया है। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ होता है। बल कोई भी कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। तत्व प्रधान से तम प्रधान में जरूर आना है, इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम तो तम प्रधान थे पर तत्व प्रधान बने, अब फिर हम तो तम प्रधान बन गए। ब्रह्मानुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधेरा हो जाता है। पहले इतना अंधेरा नहीं होता जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान थे सतो रजो तमो ऐसे कहा जाता है। दूसरा पेज, धीरे धीरे कला कम होते होते घोर अंधेरा हो जाता है। आदि शक्ति पर बेहद का ध्यान है, एकदम घोर अंधेरा है। अंध का ध्यान कैसा होता है?
मध्य का सूर्य और हद का चंद्रमा होता है और वेद के ग्रहण में वेद का ज्ञान सूर्य और वेद का ज्ञान चंद्रमा तो वेद का ज्ञान चंद्रमा तो हुआ ब्रह्म और ज्ञान सूर्य हुआ मनुष्य शक्ति का बीज तो बेहद का ग्रहण लगा हुआ है अभी शक्ति पर इसलिए एकदम घोर अंधेरा है इस चंद्रमा की बात नहीं है ये सारे विश्व की बात है सूरज और चांद के ऊपर ही ग्रहण बता दिया तो और सारी शक्ति में बचेगा कौन लगता नहीं है लेकिन जब निश्चय का चक्र चलता है तो भागता क्या है कि सूरज के ऊपर भी अंधेरा आ गया अंधेरा वास्तव में आता किसके ऊपर है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी वालों और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परछाया पड़ता है पृथ्वी वालों के ऊपर और जिनके ऊपर चंद्रमा का परछाया पड़ता है वो समझ लेते हैं कि सूर्य अंधेरे में आ गया सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया अधिकारों का वास्तव में वो तो ज्ञान सूर्य है तपका हुआ आपका गोला है उसके ऊपर तो सूर्य नहीं वो ग्रहण नहीं ले सकता तो ग्रहण वास्तव में लगता किसके ऊपर है चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है और ग्रहण रावण का लगा हुआ है द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा लगता जाता है 25 वर्ष लगता है जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है अभी है बिल्कुल घोर अंधेरा घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला बाप अतिथ को सावन बनाने वाला है बाप माया रावण से रात घोर अंधेरा बनाती भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे तो सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन वो ही है मनुष्य शक्ति का बीज रूप रचना की ऐसी रहना कभी हो नहीं सकती जैसी रचयिता की होती है रचना से रचय का पावरफुल होता है अगर कोई आत्मा को परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती गायन उसे एक बात गाई वही पतित पावन मनुष्य शक्ति का बीज रूप तत्व और चैतन्य है आनंद का सागर है ज्ञान का सागर है कोई मनुष्य की यह महिमा नहीं हो सकती भक्ति मार्ग में ज्ञान का नाम भी नहीं हो सकता ज्ञान से जीवन मुक्ति का रथ एक सेकंड में आ गया भगवान वाकी गीता में है ना व्यास ने क्या किया भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री बनाई है यज्ञ तप तीर्थ आदि करना वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है इनसे कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता पिछाड़ी में सब
को काट दबाएंगे। गॉड फादर इज वन, वही तरह में रावण हारे। इसलिए ब्रह्मा के शक्ति जी आगे सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। तो देवता धर्म की स्थापना कराने वाला हुआ। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे, गार्ड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं और डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। उन बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं, आत्माएं आंखों से देखती है, भ्रकुटी के बीच में रहती है और मुख से बोलती है। परमपिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए, कहते मैं इस रथ में रथी होकर के बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राज ऋषि हो। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। कोई की ताकत नहीं बात करने की। बापी राजा के लिए हमें शिक्षा देते हैं। बापी कहेंगे बच्चे इनकी आत्मा भी सुनते, इनको भी कहते हैं बच्चे तुम राजनीति हो, उनको राजा के लिए हमें शिक्षा देनी। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने के लिए आता हूँ। ऐसे कोई साधु संता भी कह नहीं सकता, बाप ही समझाते हैं, उनको खेवैया भी कहते हैं, क्योंकि बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। नहीं तो खेवैया कैसे कहेंगे, तुमको बड़े आराम से बैठे रहे। उन्होंने तो नाम सुना है तो डाल दिया है खिलैया। तो विद्वान पंडित आदि भी सिर्फ ये बढ़ाई कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की बढ़ाई इन्हों को दे दी है। ये तो है कपित सृष्टि के मनुष्य, परंतु ये समझते नहीं है। बनाने वाले पूजने वाले सब सख्त सख्त करते रहते, क्योंकि अंधश्रद्धा है। अब तुम जानते हो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बन जाते। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। दादा ये ब्रह्मा सरस्वती क्या बन जाते, विष्णु बन जाते और तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। विष्णुपुरी का मालिक विष्णु बनेगा या तुम बनोगे? ऐसे क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? ब्रह्मा सरस्वती ने तो 65-68 तक शरीर छोड़ दिए, फिर क्या विष्णु बन गए? नहीं, वही ब्रह्मा सरस्वती कोई बच्चे में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण बस्ती में प्रवेश करके ब्रह्मा बड़ी माँ जगदम्बा का पाठ बजाता है,
और सरस्वती सरस्वती का लेते हैं 60 क्विंटल राधा बनने का। तो ब्रह्मा सरस्वती जो राधे कृष्ण बनते हैं तो कृष्ण वाली सोल सरस्वती वाली सोल और राधा वाली सोल और जगदम्बा वाली सोल ये चार आत्माएं मिलकर विष्णु का रूप बने। तो वो ही विष्णु की पुरी जैसे ब्रह्मापुरी शंकरपुरी विष्णुपुरी तो पुरी में ना नगरी ब्रह्मापुरी में जरूर ब्रह्मा जैसी आत्माएं होंगी। सरस्वती की पुरी में सरस्वती जैसी आत्माएं होंगी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है चारों के स्वभाव संस्कार का विष्णुपुरी में। तो विष्णुपुरी के तुम मालिक बनते हो। तो ये है गुप्त बातें। तुम माने कौन हाँ क्योंकि विष्णु की चार भुजाएं हैं तो भुजाओं को चलाने वाला भी कोई होगा। तो इन गुप्त बातों को तुम बच्चे जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन। तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परमपिता परमात्मा एक ही है वो है मनुष्य शक्ति का बीज रूप। सभी बच्चों का भगवान सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी है मनुष्य क्या ही क्या ही करते रहते हैं। सत्युग में दुख की बात नहीं होती है। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर बच्चे हैं। ये मंदिर मस्जिद आगे सभी बस्ती मारी की सारी गिरी। सत्युग में ये सब होते नहीं। वो है भक्त कल और ये है ज्ञान कल। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति आती है अनेकों से। तो अनेकों से जो भक्ति आती है तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर अनेक प्रकार के बनाए दिए। और ज्ञान आता है सिर्फ एक बात से। इसलिए बोला कि अंत में ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा शिवालय। दूसरे पेट का मध्यान जब रात शुरू होती है तो पहले पहले मंदिर बनाते हैं। द्वापर युग के शुरू से रात शुरू होती है पहले सोमनाथ का मंदिर था। तो जब कोई आते हैं तो पहले पहले समझाओ गॉड फादर इज वन।
बात नहीं गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि ये है मदर फादर कंट्री। दूसरे धर्म के लोग मदर को नहीं मानते, गॉड मदर नहीं कहते, सिर्फ गॉड फादर को मानते। भारत में लक्ष्मी के साथ नारायण, सीता के साथ राम, शंकर के साथ पार्वती की पूजा होती है। पवित्र मार्ग भारत में ही चलता है। तो ये हुआ मदर फादर कंट्री। जगदम्बा जगत पिता यहाँ दोनों हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। उसमें भी जगत पिता भी बैठा है तो जगदम्बा भी बैठी हुई। तो लक्ष्मण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है। मना ओरिजिनल चित्र तो निकाल नहीं सकते, कोई एक्टर का ही चित्र लेकर के फिर बनाए देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण ने तो राजी किया सतयुग में। मनुष्य कहते भी है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राजी था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री नहीं है। क्यों? लक्ष्मी नारायण के बचपन की हिस्ट्री क्यों नहीं है? राधे कृष्ण के बचपन की हिस्ट्री क्यों है? संबंध जी राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो राधे कृष्ण की हिस्ट्री हुई ना। संगमिधि लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री क्यों नहीं है? तो बोला हुआ है आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो बचपन होगा ना, शिशुअवस्था होगी ना। जन्म हुआ तो शिशुअवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस जन्म की बात ही नहीं है। स्थूल जन्म की या तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, और वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है कोई बड़े शरीर के द्वारा, कोई ब्राह्मण बच्चों के द्वारा। तो बच्चे का शरीर ही नहीं है तो बच्चे की हिस्ट्री कहाँ से होगी? जो नर से नारायण बनने वाले हैं उनके बचपन की हिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि तो पुरुषार्थी जीवन से बड़े शरीर से राजा ही पद प्राप्त करते हैं। नर से नारायण बनते हैं, नर से प्रिंस अर्थात बच्चा नहीं बनते। तो उनके बचपन की कोई हिस्ट्री नहीं है। और राधे कृष्ण की, राधा कृष्ण वो है जो उनमें प्रवेश करके पाठ बजाने वाली आत्मा है। तो बच्चा बुद्धि होती है, तो बच्चा बुद्धि होने के कारण वो पढ़ने वाले हुए या पढ़ाने वाले हुए? वो तो पढ़ने वाली आत्मा है। तो राधे कृष्ण की हिस्ट्री है। कैसे भी है कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात 8वां नंबर कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। सात कृष्ण जैसे बच्चे पहले ही प्रत्यक्ष हो गए और लास्ट में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ। ये हुआ प्रत्यक्षता रूपी जन्म। अच्छा, जब कृष्णाष्टमी होती है तो कृष्ण तो नारायण बनते हैं। आठ कृष्ण बनते हैं क्या? आठ
के कृष्ण नहीं बनते। कृष्ण तो पहले जन्म में, सचिव के पहले जन्म में पहले बच्चे का ही नाम कृष्ण होगा। सचिव में फिर दूसरे बच्चे पैदे होंगे वंशावली में, उनका नाम कोई कृष्ण नहीं होगा। लेकिन नाम जो भी हो, बड़े होकर के टाइटल वो अपने बाप का धारण करते हैं। इसलिए सतयुग में आठ नारायण तो बाबा ने बताए, लेकिन शास्त्रों में उन्होंने आठ सात नारायणों का कोई गायन नहीं है, सिर्फ कृष्ण का ही गायन है और नारायण का गायन है। इन दो आत्माओं का तो गायन है, बाकी सात नारायणों की कोई हिस्ट्री नहीं। इसलिए नारायण अष्टमी नहीं कहा जाता, क्योंकि नर से नारायण बनने वाला व्यक्तित्व तो एक ही है। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए और नारायण को, नारायण को शास्त्रों में सतयुग में डाल दिए। द्वापर में क्यों ले गए? वास्तव में कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आता, आता तो सतयुग में ही है, लेकिन ये संगम की ब्राह्मणों की दुनिया की बात है कि जब द्वापर की शूटिंग होती है तो कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, कोई ब्राह्मण बच्चों के थ्रू। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। अब सतयुग में तो दो राजधानियां नहीं होंगी, ये भी बात है, संगम की दुनिया की बात है। ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य दो व्यक्तित्व होते हैं, और दो व्यक्तित्व के द्वारा जो कुल चलता है वो चंद्रवंश और सूर्यवंश कहा जाता है। ज्ञान सूर्यवंशी कृष्ण और ज्ञान चंद्रमा वंशी राधा कही जाती है, तो जरूर दोनों का स्वयंवर हुआ होगा। तो ये स्वयंवर की बात है, संगम की बात है। वास्तव में सचिव में कोई साध माना नहीं होता, कोई त्योहार आदि नहीं मनाया जाता, ये तो इस दुनिया की बातें हैं। यहाँ दुनिया में लोग दुखी रहते हैं तो एक दो दिन का साध माना मना लेते हैं, त्योहार मना लेते हैं, खुश हो जाते हैं अल्पकाल के लिए। सतयुग में ऐसे अल्पकाल की कोई खुशी नहीं मनाई जाती। तो ये संगम की दुनिया की बातें हैं, स्वयंवर आदि। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी कृष्ण आ नहीं सकता, तो बड़े मुझे हो गई है, बड़े मुझे हुए हैं, इस बात में मुझे हुए। कौन मुझे हुए? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मण ये मुझे हुए होते हैं, जबकि दो घराने हो जाते हैं तो उनको मुजात पैदा होने जा रहा है। सत्य के लिए तो बाबा ने बताया हुआ, एक धर्म एक राज्य एक कुल एक वंश एक मत होगा, और यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया में फ्रिक्शन पड़ गया, दो मतें हो गई, दो ग्रुप हो गए। तो ये सत्य कैसे स्थापन हो रहा है? तो वो बात यहाँ बताई कि ये ड्रामा बना हुआ है, सूर्यवंशी कृष्ण और चंद्रवंशी राधे दोनों का अपना अपना घराना है। कृष्ण ऊंचा है सूर्यवंशी का, ऊंच कुल का, वो तो चंद्रवंशी राधे के यहाँ जा न सके क्योंकि ऊंच कुल का है। तो आखिरी चंद्रवंशी राधे को ही सूर्यवंशी कृष्ण के पास आना पड़ता है।
फिर दोनों का आपस में स्वयंवर हो जाता है, तो एक ही वंश हो जाता है सूर्यवंश। बाबा ने भी ये बात बताई कि आगे चल करके तुम बच्चों के सारे मतभेद मिटा देंगे। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है, वो होते हैं हद के फादर, स्त्री रची फिर स्त्री के बच्चे पैदा किए, स्त्री को एडॉप्ट किया, स्त्री को जन्म नहीं देते हैं, एडॉप्ट करते हैं। मैं प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ। वेद के बाप कितने? वेद के बाप भी दो, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। वेद 500 करोड़ मनुष्य, उन सब का बाप। तो वेद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ। इनमें प्रवेश कर इनमें शब्द बहुवचन क्यों बनाया बताया? जरूर दो है, निराकार शिव के लिए, आत्माओं के बाप के लिए दो है, राम और कृष्ण, जिनमें वो प्रवेश करता है। और साकार बाप के लिए जो मनुष्य शक्ति का बाप है, उनके लिए जैसे यज्ञ के आदि में दो थी माताओं के रूप में, यज्ञ माताएं, वो यज्ञ माताएं अंत में फिर प्रकट होती हैं। जो मुरली में बोला है कि राधा भी निकली तो सीता भी निकली, तो इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ। जन्म देने की बात नहीं है, मनुष्य शक्ति का साकार बाप इनके दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाता है, घर कर जाता है, मन दिल दिमाग में घर करके बैठ जाता है। तो जैसे एडॉप्शन हुआ, बन्नी बनाया, तो भगवान ने शक्ति कैसे रखी ये किसको भी पता नहीं। भगवान तो बिंदु निराकार, निराकार से क्या निराकारी शक्ति रखी जाएगी? शक्ति तो होती है साकार में, तो निराकार ज्योति बिंदु बाप कैसे शक्ति पर साकार में आकर के रचयिता बनता है, साकार क्रिएटर बनता है, वो किसी को पता नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया में जलमयी हो गई। अब वो स्थूल जल की बात नहीं है, ये तो ज्ञान जलमयी होने की बात है कि अंत में सारी दुनिया में ज्ञान जल की बाढ़ आनी है, उसमें सारी दुनिया डूब जाएगी। सिर्फ भारत ही बचेगा, ये फिर सूक्ष्म बात भी है। ब्राह्मणों के संग में दुनिया में जब ज्ञान की बाढ़ आती है तो सब बोरम बोर हो जाते हैं। सिर्फ कृष्ण वाली सोल पीपल के पत्ते जैसी हल्की सी नाव का सहारा लेकर बाकी बची रहती है, बाकी सब जलमग्न हो गए। तो ऐसे शास्त्रों में दिखाया है, कोई
कोई सूल पत्ते की बात नहीं, सूल सागर की बात नहीं, या कोई कृष्ण बच्चे सूल की बात नहीं। अगर ऐसा होता तो अकेला कृष्ण कैसे सच्ची रटेगा? सच्ची रटने के लिए कितने चाहिए? दो चाहिए। फीमेल भी चाहिए। गुरु शास्त्रों में दिखाया है कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, तो कृष्ण अकेला आया या कोई का आधार लेकर के आया? अकेला नहीं आया, कृष्ण भी था और पीपल का पत्ता भी था। तो पीपल का पत्ता जिसका आधार लिया वो हुआ फीमेल। तो स्थूल पत्ते आदि की ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल का पत्ता क्यों बताया? कोई दूसरा पत्ता क्यों नहीं बताया? पीपल का पत्ता थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो जोर से हिलता है, और दूसरे पत्तों में ये शिफ्ट नहीं होती। तो यहाँ भी ये 500 करोड़ पत्ते हैं वैरायटी झाड़ के, उनमें कोई विशेष आत्मा है जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडर बनती है? पीपल पात सरिसमन डोला, ब्रह्मा की सोल जगदम्बा के रूप में कार्य करती है। तो पत्ते की नवैया दिखाई गई, तो ये दो हुए। बाप कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूँ आधार को। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुखवंशावली हैं। मैं तो इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे, और तुम भी कहते हो हे शिव बाबा, हम आपके बच्चे बने हैं। पहले हम आपके बच्चे थे। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। ये राजयोग है, राजा ही स्थापन हो रही है, और प्रीसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजा ही स्थापन करता हूँ या सिख राजा ही स्थापन करता हूँ। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो तो सिर्फ आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अपने धारणाओं की स्थापना करते हैं, पुरानी मान्यताएं पुरानी धारणाओं उनका विनाश नहीं कर पाते, इसलिए दुनिया नरक की नरक बनी रहती है। नए नए प्रिसेप्टर्स नए नए धर्म पिताएं आते गए और दुनिया और ज्यादा नरक होती गई। तो ये काम मैं ही करता हूँ, पुरानी मान्यताओं पुरानी धारणाओं का विनाश भी करता हूँ और राजा भी स्थापन करता हूँ। तुमने दुनिया में राजा ही लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो, तो ये वंडर हुआ ना, गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है। सतयुग में राजाई थी, मनुष्य शक्ति कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी तुम जानते हो। भगवान वाद ये है हमारे मुखवंशावली, बाकी सभी है रावण की मुखवंशावली। ब्राह्मण
मुख वंशावली रावण भी कौन सा वंश का था रावण का भी वंश कौन सा कहा जाता था ब्राह्मण वंश वो भी ब्राह्मण था और तुम भी ब्राह्मण हो बातें कहाँ की है इसी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रावण ब्राह्मण मुखवंशावली भी है रावण संप्रदाय वाले और तुम मुखवंशावली भी हो दो है कुखवंशावली ब्राह्मण क्योंकि देह को और देहधारी को याद करते निराकारी स्टेज वाले को नहीं उसको याद करते हैं ब्रह्मा के साकार स्वरूप को भगवान समझ लेते हैं तो तुम हो ब्राह्मण मुखवंशावली और वो है कुखवंशावली क्योंकि कोख अर्थात गुर्द को याद करते हैं तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण थे और ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान भी ब्राह्मण थे ब्राह्मणों के बच्चे ही तो ब्राह्मण होते हैं ना तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण ब्राह्मण है सबसे ऊंच ब्राह्मणों को ही चोटी में रखा जाता है जैसे ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ाई दिया है वैसे ऊंच से ऊंच ब्राह्मणों को भी विष्णु के विराट रूप में चोटी से उड़ाई दिया विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते ये भी बात कहाँ की है ये भी ब्राह्मणों का विराट विश्व है और उसमें से जो सच्चे ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की दुनिया से उड़ा दिया तो ब्राह्मणों को उड़ा दिया तो जरूर शिव बाबा को भी उड़ा दिया शिव बाबा को रखा हुआ ब्राह्मणों की दुनिया से शिव बाबा को भी उड़ाया सबसे पहले और ब्राह्मणों को भी उड़ा दिया क्योंकि ब्राह्मण का आयु उनको जाता है जो ब्रह्मा मुख की बात को माने चले या न चले वो बात बाद में लेकिन ब्रह्मा मुखवंशावली की पहली शर्त है कि वो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बात को मान्यता जरूर दें क्या ये बात सच्ची है वो झूठे ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख की बात को ही नहीं मानते कहते हैं ब्रह्मा ने मुख से क्या कहा वो जब कहा तब कहा अब तो जो दीदी दादी दादा हैं जो कहते हैं वो ही सच्चाई है तो ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव बाबा को भी त्रिमूर्ति तोड़ाई दी है वो ऊंचे ऊंचे ब्राह्मणों की चोटी है उसको उड़ाई दी है विराट रूप में ब्राह्मणों को इसलिए नहीं दिखाते तो ये सब बातें ब्राह्मणों की संगत में भी दुनिया में ही शूट हो रही है उसे तो कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र परंतु पहले पहले तो तुम ब्राह्मण हो तुम कितनी भारी सेवा करते हो ऊंचते ऊंचे भगवान फिर ऊंचते ऊंचे भगवान से पैदा किए हुए तुम बच्चे शिव तो नई शक्ति पर नहीं आते हैं लेकिन तुम बच्चे तो आते हो शिव बाबा कहते हैं हम तुमको राजभाग देता हूँ फिर हमारा नाम गुम हो जाता है मैं छिप जाता हूँ मैंने क्या किया
जो मेरे को छिपाए दिए। ब्राह्मणों को भी छिपाए दिए और शिव बाबा को भी छुपाए दिए, परंतु ये शक्ति कैसे रहती ये कोई नहीं जानते। तो जब नया कोई आता है तो जास्ती माथा मारना नहीं है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। वो है स्वर्ग का रचयिता। अगर बाप का परिचय बुद्धि में बैठ जाए तो आगे समझाओ, अगर नहीं बैठता है तो जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, चला देना चाहिए। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब शुद्ध वर्ण में, फिर बाप आकर उनको ब्राह्मण बनाते हैं, तो वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। विराट रूप का जो चित्र बना है उस चित्र में ब्राह्मणों की चोटी भी दिखानी, और सब ब्राह्मणों की चोटी में ऊपर शिव का चित्र भी देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है। ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा ब्राह्मण फिर कौन सा हुआ? चोटी का ब्राह्मण। यादगार भी है गुरु शिखर, शिखर माना सीखा, सीखा या चोटी बातें की। तो ब्राह्मणों में भी तो सबसे ऊंचा कोई ब्राह्मण होगा ना। चित्रों में आज भी शंकर को जनेऊ यज्ञोपवीत ब्राह्मणत्व की निशानी दिखाते हैं। तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, इसलिए बताया कि ब्राह्मणों के ऊपर शिव को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? बिंदी बना देंगे ब्राह्मणों के ऊपर, ज्योति बिंदु बना देंगे, उससे दिखाना हो जाएगा। ऊपर दिखाने का मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज दिखानी है, तो बिंदु की तो ऊंची स्टेज और नीची स्टेज की बात ही नहीं। जरूर कोई साकार स्वरूप है ब्राह्मणों के बीच में, जिसको ऊंची स्टेज में दिखाना है और ब्राह्मणों के मुकाबले उसकी ऊंची स्टेज समझाना है। जो बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं वो फिर ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य फिर शुद्ध बन जाते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अलग समझाना है, अलग समझाना है या बिंदु समझाना है? क्योंकि समझाने की बात है किसको? शूद्रों को तो समझाने की बात है ही नहीं। क्यों? शूद्र देवता नहीं बनते डायरेक्ट, शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाना पड़े, फिर ब्राह्मणों को समझा करके देवता बनाना है। तो पहले पहले तो कोई को भी अलग पर समझाना है। अलग माना अल्लाह, माना ऊंचे से ऊंचा, वो बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो वो अलग बाप इस ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि रचते हैं उनकी पहचान पहले देनी, तो सब भाई बहन हो जाते हैं।
संतान तो सब आत्मा है ही, क्यों उनको रटे जाने की जरूरत है? आत्मा सब है अनादि और मनुष्यों की शक्ति रची जाती है। आज ब्रह्मा से शुरुआत होती है तो आत्माएं हैं सब संतान आपस में भाई भाई, और भाई बहन सब बनते हैं जबकि वो निराकार से वो ज्योति बिंदु साकार में अलख में प्रवेश करता है। अलख और बे दो अक्षर हैं। अलग कहा जाता है खड़े हुए डंडे को और बे कहा जाता है पड़े हुए डंडे को। तो पड़ा हुआ डंडा वो है आधार, फिर मनुष्य शक्ति रहती जाती है। तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय।